हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिटीजनशिप के बारे में बताऊंगा, जो आपका सेकंड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो सिटीजनशिप का टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट सेकंड में डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या बात करता है, जो सिटीजनशिप के जितने प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 5-11 से लेके जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके, वो है सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो 5-8 बात करता है, आर्टिकल 5-8 कंटेन्स द प्रोविजंस डिटरमाइनिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से डिटरमाइन करते हैं आर्टिकल 5-8 बात करते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैसे मिलेगी। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। अब जो कमेंसमेंट डेट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो दो डेट्स हैं। एक डेट है 26 नवंबर 1949 और सेकेंड डेट है 26 जनवरी 1950। तो जहां पर सिटीजनशिप के टॉपिक में कमेंसमेंट की बात आएगी, वहां पर आप कमेंसमेंट डेट 26 जनवरी 1950 लेके चलोगे, ठीक है। तो आर्टिकल 5-8 इंडिया की सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया, दैट इज 26 जनवरी 1950। द फॉलोइंग आर द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे लोग जो 1-4 पॉइंट्स में डिफाइन किए गए हैं, ये सारे लोग इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के टाइम। फर्स्ट, ये टाइप्स भी कह सकते हो आप, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप है। फर्स्ट है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, जो आर्टिकल 5 के अंदर डिफाइन की गई है। अब हम इंडिविजुअली इन आर्टिकल्स को भी स्टडी करेंगे। सेकेंड है सिटीजनशिप बाय माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए हैं उन लोगों की सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 बात करता है। और सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो यहां से पाकिस्तान की चले गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, उनकी सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 7 बात करता है। और सिटीजनशिप ऑफ इंडियन अब्रोड, जो इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप की बात आर्टिकल 8 करता है। अब बात करते हैं सबसे पहले सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल की। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल क्या है आर्टिकल 5 में? आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस 26 जनवरी 1950। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसने कहा कि वो सभी लोग जिनका डोमिसाइल इंडिया की टेरिटरी के अंदर है, who has his domicile in the territory of India and who was, अब इसमें कंडीशन देता है ए बी एंड सी में। फर्स्ट है who was born in the territory of India, फर्स्ट कंडीशन है जो व्यक्ति इंडिया की टेरिटरी के अंदर पैदा हुआ है तो वो इंडिया का नागरिक कहलाएगा। सेकेंड है either of whose parents was born in the territory of India, या उनके पेरेंट्स में से, मदर और फादर में से कोई भी इंडिया की टेरिटरी के अंदर पैदा हुआ हो तो वो भी इंडिया का नागरिक कहलाएगा, इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। सी बात करता है हु हैज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके अंदर कहता है कि जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रह रहा है फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, कम से कम पांच साल से इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो रह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, वो भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 5 को ऐसे ही डिफाइन कर रखा है फर्दर, इसके अंदर बात करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 के तहत ए पर्सन इज एंटाइटल टू सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, जो पर्सन है वो डोमिसाइल, पर्सन को सिटीजनशिप कैसे मिलती है, बाय डोमिसाइल के थ्रू सिटीजनशिप मिलती है। इफ ही फुलफिल्स द फॉलोइंग टू कंडीशंस, जब वो ये दो कंडीशंस को फुलफिल कर दे, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ही मस्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 को हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट होगा 26 जनवरी 1950 को, वो इंडिया के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ही मस्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकंड कंडीशन क्या है, सच ए पर्सन मस्ट फुलफिल एनी ऑफ द 3 कंडीशंस, और ये जो पर्सन है
कोई भी इन तीन कंडीशन में फुलफिल कर दे, कोई भी तीन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दे लेड डाउन इन आर्टिकल 5, जो आर्टिकल 5 के अंदर कह गई है, फर्स्ट ही वाज बोर्न इन इंडिया, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, या तो खुद पैदा हुआ हो इंडिया के अंदर, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो, या फिर वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर कम से कम 5 साल से रिजाइड कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। अब एक केस आया इसमें, इन अली अहमद वर्सेस के पट्टी, ए आई आर 1940-1965 पटना 371। इसके अंदर क्या आ गया है, द कोर्ट हेल्ड दैट द डोमिसाइल इज नॉट द सेम थिंग एज रेजिडेंस। डोमिसाइल वो नहीं है जो आपका रेजिडेंस है, जो आपका निवास स्थान है वो डोमिसाइल नहीं कहलाएगा आपका। रेजिडेंस इंप्लाइज ए प्योर फिजिकल फैक्ट। रेजिडेंस क्या है, एक फिजिकल फैक्ट है कि आप वहां पर रह रहे हैं। द फैक्ट इज जस्ट बीइंग एंड लिविंग इन ए पार्टिकुलर प्लेस। ये क्या फैक्ट है कि आप सिर्फ उस एक पार्टिकुलर प्लेस पे रिजाइड कर रहे हो, वहां पर रह रहे हो। बट डोमिसाइल इज नॉट ओनली द रेजिडेंस, लेकिन डोमिसाइल सिर्फ रेजिडेंस होना ही नहीं है, बट इट इज द रेजिडेंस कपल्ड विद द इंटेंशन टू लिव इनडेफिनेटली इन द प्लेस। लेकिन डोमिसाइल के अंदर रेजिडेंस का एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए, लेकिन आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए कि आप उस जगह पर इंडेफिनेट पीरियड तक, किसी फिक्स पीरियड तक नहीं रहोगे, इंडेफिनेट पीरियड तक रहोगे, ठीक है। तो ये जो इंटेंशन प्लस रेजिडेंट होना, उसको बोलते हैं डोमिसाइल। अब है सेकेंड केस, मोहम्मद रजा वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस के अंदर द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, द टर्म डोमिसाइल मीन्स, जो टर्म डोमिसाइल है उसका मतलब है ए परमानेंट हाउस और ए प्लेस, एक परमानेंट हाउस या कोई ऐसी जगह वेयर द पर्सन कंसर्न रिजाइड्स, जहां पर कोई व्यक्ति रह रहा हो, रिजाइड कर रहा हो, विद द इंटेंशन, उस इंटेंशन से, ऑफ रिमेनिंग फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड, कि वो वहां पर इंडेफिनेट पीरियड के लिए रहेगा, कि किसी फिक्स टर्म के लिए नहीं रहेगा, अनफिक्स टर्म के लिए रहेगा। अब बात करता है आर्टिकल 6 की, सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो पर्सन इंडिया के अंदर आए हैं उनकी सिटीजनशिप का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ था, देर वॉज ए माइग्रेशन ऑफ हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का जो माइग्रेशन है वो इंडिया की तरफ हो गया था, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू इंडिया में आ गए थे। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, देर वॉज ए माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। जो इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे। आर्टिकल 6 डील्स विद द माइग्रेंट्स हु मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 6 डील करता है उन लोगों से, उन माइग्रेंट्स से जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। एंड आर्टिकल 7, जो आर्टिकल 7 है वो डील करता है उन माइग्रेंट्स से जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे। पहले बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि इंडिया में आए हैं पाकिस्तान से, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, सॉरी पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, जो आर्टिकल 5 में कह दिया आप उसको भूल जाओ। ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो पर्सन इंडिया की टेरिटरी में माइग्रेट हो गया है, फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, उस टेरिटरी से जो अब पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया की टेरिटरी में जो आ गया है, शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन, वो सिटीजन माना जाएगा इंडिया का जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय, इफ अगर वो ये कंडीशन फुलफिल कर दे। अब बात करता है ए क्लोज की। आर्टिकल 6 क्लोज ए बात करता है ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुए हों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइन किया गया है, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया की में बोर्न हुए हों, एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ओरिजिनली इनेक्टेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का एक्ट है, ठीक है। अब क्लोज बी सब क्लोज 1 में बात करता है इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th डे ऑफ जुलाई 1948।
अब आपको एक डेट दे दी, 19th day of July, 1948, इस डेट को, इस डेट से पहले की कंडीशन बता रहा है ये क्लोज। इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर बिफोर दिस डेट, बिफोर दिस डेट ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, कि वो इस डेट से इंडिया की टेरिटरी के अंदर रह रहा है और वो आज तक भी उसी टेरिटरी में, ठीक है। ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, इस डेट से पहले आया और वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रह रहा है उस डेट से, तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अब सेकंड बात करता है, क्लोज टू बात करता है इसी की, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19th day of July 1948। अब बात करता है कि इस डेट को 19th July 1948 को आया हो या इसके बाद आया हो या इस डेट के बाद आया हो, ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन, वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, इंडिया के सिटीजन के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाएगा इंडिया में, बाय एन ऑफिसर, एक ऑफिसर के द्वारा जो कि अपॉइंट किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है इस पर्पज के लिए। अगर उसने एप्लीकेशन लगाई है, अगर उस पर्सन ने कोई एप्लीकेशन लगाई है मेड बाय हिम देयरफॉर टू सच ऑफिसर, उस ऑफिसर को बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, जो फॉर्म या मैनर गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया उस प्रॉपर फॉर्मेट में अगर कोई बंदा एप्लीकेशन देता है इस डेट को या इस डेट के बाद टू द ऑफिसर, और अगर वो ऑफिसर उसको रजिस्टर कर ले एज एन इंडियन सिटीजन, तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर सेविंग क्लोज ये है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड, किसी भी पर्सन को इंडिया के सिटीजन की तरह रजिस्टर नहीं किया जाएगा अनलेस, अगर ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, अगर वो जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई है उससे पहले 6 months तक उसने इंडिया के अंदर रिजाइड नहीं किया है, तो अगर कोई पर्सन कोई एप्लीकेशन लगा रहा है इंडिया की सिटीजन होने के लिए, तो उसको कम से कम एक कंडीशन फुलफिल करनी है कि उसको कम से कम 6 महीने तक इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहना पड़ेगा उस एप्लीकेशन को लगाने से पहले, ठीक है। अगर वो 6 महीने तक इंडिया की टेरिटरी में नहीं रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन रजिस्टर नहीं किया जाएगा और उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाएगा। आर्टिकल 6 ओवरराइड्स आर्टिकल 5, जो आर्टिकल 6 में बात की गई है वो आर्टिकल 5 से बिल्कुल अलग की गई है और ये इसको ओवरराइड करता है, आर्टिकल 6 ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 को। आर्टिकल 6 डील्स विद पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, आर्टिकल 6 डील करता है उन पर्सन की जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले। फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन सच पर्सन आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरीज, और ये जो पर्सन हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं इनको 2 categories में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरीज को तो वो जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, और दूसरी वो जो 19 जुलाई 1948 पर इस डेट को या इस डेट के बाद आए हैं। दोज हु कम्स टू इंडिया बिफोर 19th July 1948, जो पहले आ गए इस डेट से, शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन, उनको सिटीजन मान लिया गया। इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर उन्होंने ये 2 conditions सेटिस्फाई कर दी हैं, वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट है ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, अगर वो खुद उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के में पैदा हुए हैं एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और दूसरी कंडीशन ये है ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर वो इंडिया के अंदर रह रहा है सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, उसके माइग्रेशन की डेट के बाद, उसकी माइग्रेशन की डेट के बाद से ही वो लगातार इंडिया में रहता आ रहा है, तो उस केस में उसको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। दोज हु केम इन इंडिया ऑन और आफ्टर 19th July 1948, वो लोग जो इंडिया में 19th day of July 1948 को या उसके बाद आए हैं, वो
इन फोर कंडीशंस को अगर फुलफिल कर दें तो वो इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे। फर्स्ट है ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, अगर वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के अंदर बोर्न हुए हों। दूसरी कंडीशन ये है ही मस्ट मेक एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, उसने वो एप्लीकेशन लगाई गई हो, उसके द्वारा कोई एप्लीकेशन लगाई गई हो सिटीजनशिप के लिए। थर्ड बात करता है ही मस्ट प्रूव दैट ही हैज रिजाइडेड इन द इंडिया फॉर 6 months, और अगर ये वो ये प्रूव कर दे कि वो कम से कम 6 महीने से इंडिया के टेरिटरी के अंदर रिजाइड कर रहा है। एंड फोर्थ कंडीशन ये है ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो एक तरह से इंडिया के सिटीजन के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया है बाय एन ऑफिसर, किसी ऑफिसर के द्वारा जो कि भारत की सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है बाय अपॉइंटेड आइदर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1935 और द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बात करता है उन लोगों की जो भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी सिटीजनशिप कैसे होगी। वे आर्टिकल 7 के अंदर डील करते हैं वो लोग राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उन पर्सन की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है ये आर्टिकल। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 और 6, जो कि आर्टिकल 5 और 6 में कह दिया गया उसको अब छोड़ दो। ए पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, अब ये बात करता है जो 1 मार्च 1947 को, ये एक डेट दे दिया आपको, ए पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टेरिटरी ऑफ नाउ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो इस डेट के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं, इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सिटीजन नहीं माने जाएंगे, वो इंडिया के सिटीजन नहीं माने जाएंगे जो इस डेट को भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, इस डेट के बाद वो इंडिया के सिटीजन नहीं माने जाएंगे। लेकिन एक तरह से ये जो आर्टिकल 7 में ये जो बात कही गई है ये आर्टिकल 6 के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि उसके अंदर बात करता है 19th day of July 1948 से पहले अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर आ गया है और वो इंडिया के अंदर ही रह रहा है तो उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अब इसके सेविंग क्लोज है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू ए पर्सन, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडिंग पाकिस्तान हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो पाकिस्तान से इंडिया की टेरिटरी में आ गया है। अगर मान लो कोई पर्सन 2 मार्च 1947 को पाकिस्तान से इंडिया आ गया है, फर्स्ट मार्च को तो ये कह दिया ना कि वो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा अगर वो पाकिस्तान से, इंडिया से पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन पाकिस्तान से अगर इंडिया इस डेट को आ गया है तो उस पर्सन के ऊपर ये क्लोज, ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। अंडर ए परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, अगर वो रीसेटलमेंट कर रहा है, अंडर ए परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, अगर वो इस परमिट के अंदर आया है कि वो रीसेटल करना चाह रहा है, मतलब एक बार वो इंडिया से पाकिस्तान चला गया लेकिन पाकिस्तान में उसकी बात नहीं बनी तो वो पाकिस्तान से इंडिया में वापस आ रहा है, वो रीसेटलमेंट के परमिट के अंदर आ रहा है, और परमानेंट रिटर्न इश्यूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, या फिर कोई परमानेंट रिटर्न जो कि इश्यू किया गया है कि ये जो व्यक्ति है ये परमानेंटली इंडिया के अंदर आ रहा है, जो कि किसी अथॉरिटी या किसी लॉ के अंदर इश्यू किया गया है, एंड एवरी सच पर्सन शेल फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज बी ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम्ड टू हैव बीन माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर 19th day of July 1948, या फिर वो पर्सन इस डेट तक इंडिया के अंदर वापस आ जाता है तो उसको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। ठीक है, अब है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में जो बात कही गई है वो आर्टिकल 5 को ओवरराइड करती है। इवन इफ ए पर्सन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 के वर्च्यू से, ही कैन नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन फिर भी नहीं माना जाएगा अगर वो पर्सन पाकिस्तान चला जाता है आफ्टर मार्च 1947 में, वो 1947 में
वो पाकिस्तान अगर चला जाए तो वो इंडिया का सिटीजन होना कहलाना बंद हो जाएगा। एन एक्सेप्शन इज मेड इन फेवर ऑफ ए पर्सन, इस केस में एक एक्सेप्शन दी गई है उस पर्सन से रिलेटेड, क्या एक्सेप्शन है ये, आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड, वो जिस दिन माइग्रेट हो जाता है टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की टेरिटरी में, अगर वो पर्सन पाकिस्तान चला जाता है और हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया और वो वापस आ जाता है इंडिया के अंदर अंडर ए परमिट ऑफ रीसेटलमेंट, अंडर ए परमिट ऑफ रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न टू इंडिया, अगर वो एक परमिट के तहत इंडिया के अंदर वापस आ जाता है तो वो इंडिया का ही सिटीजन माना जाएगा, फिर वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल 7। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, वो सभी पर्संस की सिटीजनशिप की बात करता है जो कि इंडिया के ओरिजिन के तो हैं लेकिन वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो उनकी सिटीजनशिप से के रिलेटेड बात करता है ये। इसके अंदर कहता है, इसके अंदर ये कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, जो आर्टिकल 5 में क्या रखा है उसको भूल जाओ, एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं एज डिफाइंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। एंड हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री, अगर वो ऑर्डिनरी रिजाइड कर रहा है किसी भी दूसरी कंट्री में जो कि भारत से बाहर है, किसी दूसरी कंट्री में इंडिया को छोड़ के किसी भी दूसरी कंट्री में रिजाइड कर रहा है, एज सो डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन, वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा अगर इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो उसको इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर किया गया है उस कंट्री में रह रहे, उस फॉरन कंट्री में रह रहे डिप्लोमेट के द्वारा और काउंसलर के द्वारा या किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर उसको इंडिया का सिटीजन रजिस्टर कर लिया जाता है तो वो इंडियन सिटीजन ही रहेगा इन द कंट्री वेयर ही इज फॉर द टाइम बीइंग रिजाइड्स, जहां पर लेकिन वो उस फॉरेन कंट्री में फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए रिजाइड कर रहा हो, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम, अगर वो पर्सन एप्लीकेशन लगाता है उस डिप्लोमेट के पास या उस काउंसलर के पास, therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution, या तो इस constitution के आने से पहले या उस constitution के आने के बाद, in the form or manner prescribed by the government, अगर उस form में और उसी manner में जिस manner में government of India ने क्या रखा है कि वो application लगाई जाएगी तो वो India का citizen ही माना जाएगा। जो भी person India की territory से बाहर रह रहा है और अगर वो person कोई application उस कंट्री में रह रहे उस फॉरेन कंट्री में रह रहे इंडिया के डिप्लोमेट या काउंसलर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया को देता है, और अगर वो डिप्लोमेट काउंसलर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया उस पर्सन को एज ए इंडियन सिटीजन मान ले, रजिस्टर कर ले, तो वो इंडिया का सिटीजन ही कहलाएगा चाहे वो इंडिया से बाहर रह रहा हो वो पर्सन। ठीक है, तो आर्टिकल 8 बात करता है इस चीज की। आर्टिकल 8 भी आर्टिकल 5 को ओवरराइड करता है। दिस आर्टिकल कन्फर्स इंडियन सिटीजनशिप टू पर्सन, उस पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप की बात करता है ये आर्टिकल जो कि इंडिया के अंदर डोमिसाइल नहीं है, वो आर नॉट डोमिसाइल इन इंडिया, एट द सेम टाइम और नो डेट इज प्रिस्क्राइब, कोई भी डेट प्रिस्क्राइब नहीं की गई आर्टिकल 8 में कि किस डेट से वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा किस डेट से नहीं, हैंस इट डील्स विद इंडियन सिटीजनशिप नॉट ओनली एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। ये इंडियन सिटीजनशिप की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंटमेंट की डेट से नहीं बल्कि आगे से भी, फ्यूचर से भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 ए पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही फुलफिल्स द फॉलोइंग टू कंडीशंस। आर्टिकल 8 के अंदर दो कंडीशन फुलफिल करने पर कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन है या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स मस्ट हैव बीन बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुए हों। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब भारत और पाकिस्तान एक थे उस टाइम इंडिया के अंदर पैदा हुए हों तो वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा, बट रिजाइडिंग अब्रोड, लेकिन वो अब्रोड रह रहे थे। एंड सेकेंड कंडीशन ये है ही मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड एज ए इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर कर लिया जाएगा बाय द डिप्लोमेट
काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री वेयर ही फॉर द टाइम बीइंग रिजाइड्स, जहां पर वो कुछ समय के लिए रह रहा है, जब वो एप्लीकेशन लगाएगा उस रिप्रेजेंटेटिव को इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। अब इस केस में कुलाथिलाल मामू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कोर्ट ओपिनियन दैट आर्टिकल 6, 7 and 8 स्टार्ट्स विद नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज नॉट विद स्टैंडिंग, ये जो आर्टिकल 6, 7, 8 है ये स्टार्ट होते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, द इंटेंशन इज टू एक्सक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल फ्रॉम दीज थ्री आर्टिकल्स। इसका ये था कि इन आर्टिकल्स से डोमिसाइल का कोई लेना देना नहीं है, डोमिसाइल के कॉन्सेप्ट का इन आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये डोमिसाइल का जो कॉन्सेप्ट है इन आर्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल फ्रॉम दीज थ्री आर्टिकल्स, ठीक है। अब टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड बात, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करता है आर्टिकल 9, बात करता है पर्सन वॉलंटरीली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की, किसी विदेश की नागरिकता को एक्वायर कर लेता है तो उसको इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। ए पर्सन वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन, वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 की वर्च्यू से, और बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ले लेता है तो उसको इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु हैज वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, ये आर्टिकल उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है जो वॉलंटरीली अपनी मर्जी से दूसरी स्टेट की सिटीजनशिप ले रहा है बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में आने से पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 के तहत नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता बाय आर्टिकल वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5, 6 और 8 इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर वो किसी दूसरी स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है। All the cases of voluntary acquisition of citizen foreign citizenship after the commencement of the constitution will have to be dealt with the government of India under the citizenship act 1955. यो सारे केसेस जिन्होंने voluntarily किसी दूसरी देश की नागरिकता ले ली है, किसी दूसरे देश की citizenship ले ली है constitution के आने के बाद, वो सारे केस अब citizenship act 1955 से deal किए जाएंगे। और आर्टिकल 367 बात क्लोज 3 बात करता है डिफाइंस फॉरेन स्टेट को डिफाइन करता है ये, एज फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉरेन स्टेट मींस एनी स्टेट अदर देन इंडिया, वो सारी स्टेट्स जो इंडिया के अंदर इंक्लूडेड नहीं है वो सारी फॉरेन स्टेट मानी जाएंगी, इंडिया को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स फॉरेन स्टेट्स हैं। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वॉज अमेंडेड इन 2003, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का उसको अमेंड किया गया था 2003 में, एंड अगेन और उसको दोबारा से 2005 में अमेंड किया गया टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप, ताकि उसमें ओवरसीज सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के सिटीजन से रिलेटेड। अब बात करता है केस लॉ की, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस शाह मोहम्मद, इसके अंदर बात करता है इट वाज ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 9 है वो डील्स विद केसेस वेयर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय इंडियन सिटीजन, जहां पर इंडिया के किसी के सिटीजन के द्वारा किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली जाती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कर ली जाती है, एंड मीन्स दैट ही कैन नॉट क्लेम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप को क्लेम नहीं कर सकता बाद में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5, 6 and 8 आर्टिकल। अब है कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, राइट ऑफ सिटीजनशिप के राइट को कंटिन्यू करने के लिए ये प्रोविजंस है। आर्टिकल 10 बात करता है कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, जो भी
पर्सन है जो भी इंडिया का सिटीजन है इन इस दिस पार्ट के अंडर सिटीजनशिप के पार्ट के अंदर पार, मतलब पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति सिटीजन है इंडिया का तो वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ से गवर्न होगा शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय पार्लियामेंट कंटिन्यू टू द सिटीजन कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन वो पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी कानून जो बनाया जाएगा उसमें कंटिन्यू करेगा एज ए सिटीजन पार्लियामेंट बाय आर्टिकल 11 पार्लियामेंट आर्टिकल 11 के तहत इज एम्पावर्ड एम्पावर ये पावर मिलती है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा प्रोविजन बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के किसी इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी किसी पर्सन को या कैसे टर्मिनेट हो सकती है कैसे खत्म हो सकती है किसी पर्सन की सिटीजनशिप आर्टिकल 10 सेज दैट टिल पार्लियामेंट डू नॉट टेक अवे द सिटीजनशिप बाय एनी प्रोविजन लेकिन आर्टिकल 10 कहता है कि पार्लियामेंट अपने किसी भी प्रोविजन के द्वारा किसी पर्सन की सिटीजनशिप को ले नहीं सकती वापिस नहीं ले सकती द पर्सन रिमेन्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी पर्सन सिटीजन रहेगा इंडिया का ही वो किसी पर्सन की सिटीजनशिप अपने प्रोविजंस को बना के नहीं ले सकती इंटेंशनली अब है आर्टिकल 11 कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट इस पार्ट के किसी भी प्रोविजन के द्वारा पार्लियामेंट की इस पावर को डेरोगेट नहीं किया जाएगा टू मेक एनी प्रोविजन किसी भी प्रोविजन को बनाने से नहीं रोका जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द इस कॉन्टेक्स्ट में एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट को कोई भी लॉ बनाने से नहीं रोका जाएगा एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू द सिटीजनशिप या किसी दूसरे मैटर से रिलेटेड सिटीजनशिप से कंसर्न अब बात करता है पार्लियामेंट बाय आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 के तहत एम्पावर किया गया था कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकती है आइदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर दिस पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 11 पार्लियामेंट इनेक्ट इसी पावर का एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 11 की पावर का एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनेक्ट किया था द सिटीजनशिप एक्ट 1955 को फिर अमेंड किया गया 2003 में फिर दोबारा अमेंड किया गया 2005 में टू इंट्रोड्यूस ताकि वो नए कॉन्सेप्ट को सिटीजनशिप के नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज ठीक है तो यहां पर आपका जो सिटीजनशिप का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टेट अपनी अगली वीडियो में ठीक है।